31 दिसंबर सन 2000 मुंबई के दीपा डांस बार में तरन्नुम खान नाम की एक बार डांसर पर एक आदमी सिर्फ एक ही रात में 93 लाख रुपए उड़ा देता है, और वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि वो बार डांसर उस आदमी को बहुत पसंद थी, और वो बार डांसर रातों रात मुंबई की सबसे अमीर बार डांसर बन जाती है। और उस बार डांसर पर इतने सारे पैसे उड़ाने वाले शख्स का नाम है अब्दुल करीम तेलगी, जो कि स्टैम्प पेपर घोटाले का मेन आरोपी है। लेकिन आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं तरन्नुम खान की, जिसका सपना कभी एयर होस्टेस बनने का था, लेकिन गरीबी और परिवार की जिम्मेदारियों की वजह से उसे अपने इस सपनों से कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है और वो एक बार डांसर बन जाती है। रियलिटी में तरन्नुम का बार डांसर बनने का सफर काफी दर्द भरा रहा था। मुंबई के अंधेरी इलाके में रहने वाली तरन्नुम के पिता एक छोटी सी दुकान चलाते थे। उसके परिवार में उसके भाई बहन समेत कुल 6 लोग थे। उसके पिता की एक छोटी सी दुकान थी जिससे उनकी आमदनी बहुत कम होती थी, और 6 लोगों के इस परिवार का गुजारा भी बहुत मुश्किल से ही हो पाता था। फिर सन 1992 में मुंबई में सांप्रदायिक दंगे भड़क जाते हैं, जिसमें तरन्नुम का घर और दुकान लूट ली जाती है। एक ही दिन में पूरा परिवार सड़क पर आ जाता है और नौबत रिलीफ कैंप तक में रहने की आ जाती है, जिसके बाद सदमे से उसके पिता को दिल का दौरा पड़ता है और वो बिस्तर पर लेट जाते हैं। और घर की आर्थिक स्थिति को देखकर तरन्नुम को बार डांस में काम करने के लिए मजबूर होना पड़ता है, जिसके बाद तरन्नुम ने मुंबई के दीपा डांस बार में काम करना शुरू किया। और सिर्फ कुछ ही समय में अपनी खूबसूरती की वजह से वो इस कदर फेमस हुई कि अंडरवर्ल्ड से लेकर बॉलीवुड सेलिब्रिटीज तक उसका डांस देखने के लिए आया करते थे। और तरन्नुम खान पर एक ही रात में लाखों उड़ाने वाले सैकड़ों लोग थे, और इन्हीं में से एक था अब्दुल करीम तेलगी, जिसने 31 दिसंबर 2000 की रात को तरन्नुम पर देखते ही देखते 93 लाख रुपए उड़ा डाले, और तरन्नुम खान एक ही रात में मुंबई की सबसे अमीर बार डांसर बन गई। और अब्दुल करीम तेलगी की पकड़े जाने की सबसे बड़ी वजह यही थी, क्योंकि इस बात की चर्चा हर जगह होने लगी थी और इस बात से पुलिस को भी तेलगी पर शक होना शुरू हुआ। लेकिन इस वीडियो में हम बात करेंगे सिर्फ तरन्नुम खान की। तेलगी के इतने सारे पैसे उड़ाने के इंसिडेंट के बाद से पुलिस तरन्नुम का बायोडाटा निकालना भी शुरू करती है, और साल 2005 में जब महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने डांस बार पर रोक लगाई तो उसके बाद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने तरन्नुम खान के घर पर छापा मारा था, और वहां पर इनकम टैक्स वालों को करोड़ों रुपए मिले थे। ये दौर तरन्नुम खान का सबसे बुरा दौर था। पुलिस की जांच में ये बात भी सामने आई थी कि उसके रिलेशन दुबई के बुकी से भी हैं। दरअसल डांस बार बंद होने की वजह से धीरज जोगेश्वरी और सुनील नाम के 2 आदमी उसे सट्टेबाजी की दुनिया में लाए थे। साल 2005 में इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच मैच फिक्स कराने का आरोप तरन्नुम खान पर ही लगा था, जिसके बाद तरन्नुम पर केस बनता है और वो जेल चली जाती है। एक बार डांसर जो लाखों कमाती थी, उसकी सबसे बड़ी गलती यही थी कि उसने सट्टेबाजी की दुनिया में कदम रखा। खुद तरन्नुम इसे अपनी लाइफ की सबसे बड़ी गलती मानती है। तो दोस्तों, ये थी तरन्नुम खान के बारे में कुछ बातें जो मैंने आपको बताई। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर।